बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छाता में किसानों द्वारा आज उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को फसलों के हुए नुकसान के संबंध में एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से यूपी जिलाधिकारी को अवगत कराया कि इस बार अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करके बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए तथा पिछला किसानों का बीमा भुगतान जो किसानों को नहीं मिला पाया वह समय से किसानों को मिले, किसानों की परेशानियों को दूर किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में रालोद नेता जगपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वर्षा अधिक होने से धान, ज्वार, कपास, बाजरा आदि की फसलों में बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा दिलवाना चाहिए, इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है। वहीं दिगंबर चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्वे जमीन हकीकत पर होना चाहिए और किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए और मुख्य बात है कि छाता के किसानों को कहीं तो बीमा मिल जाता है, कहीं पर बीमा नहीं मिलता, इसके लिए भी उप जिलाधिकारी छाता को ज्ञापन दिया गया है। किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ उसमें मांग है किसान? जैसे सब लोग जानते हैं कि कुछ पिछले एक सप्ताह से लगातार मथुरा में पूरे ज़िले में ही निरंतर बारिश चल रही थी और जिससे छाता क्षेत्र भी प्रभावित था। लगभग 48 से 50 घंटे लगातार बारिश रही थी और उसमें खेतों में पानी भर जाना, जो पकी हुई फसल है उसका गिर जाना, इस तरह के जो धान की बाल का नुकसान हो जाना, इस तरह के कई प्रकरण संज्ञान में आए हैं और इस संबंध में ही किसानों द्वारा ये अपना ज्ञापन दिया गया है कि इसमें निरंतर सर्वे कराकर और सही से सर्वे कराकर जो लोग जिनका नुकसान हुआ है उनको आपदा के तहत जो भी राहत दी जा सकती है वो दी जाए। दूसरा, किसानों की ये मांग है कि जो क्रॉप कटिंग होती है उसकी समय अनुसार सूचना मिल जाए और समय अनुसार क्रॉप कटिंग सही से हो जाए जिससे जो इनको बीमा का लाभ मिल सकता है वो उससे वो वंचित ना रहें। तो इसी संबंध में जो और भी इस तरह के बिंदुओं के बारे में ज्ञापन दिया गया है और इस संबंध में किसानों को मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सर्वे निरंतर जारी है और इसमें जब भी लेखपाल जाएंगे तो जो गांव के संभ्रांत व्यक्ति हो गए, प्रधान हो गए, पूर्व प्रधान हो गए, सभी लोगों को और जिस किसान का खेत है जिसमें नुकसान है उन सबको बुला के वहाँ मौके पर उनके सामने सर्वे करेंगे। और जो क्रॉप कटिंग की बात है उसमें बीमा कंपनी के साथ एक बैठक करके एक रोस्टर बना लिया जाएगा कि कौन से गांव में किस किस दिन बीमा कंपनी के कर्मचारी और लेखपाल संयुक्त रूप से जाएंगे और क्रॉप कटिंग करेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि आपने भी सर्वे किया, डीएमएसएसपी महोदय आए सर्वे में, आप भी रही, तो कितने परसेंट किसान का नुकसान हुआ? देखिए, वो सरसरी सर्वे देखकर हम लोग, क्योंकि गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है और जब हम एक दिन में 4-5 गांव विजिट करते हैं तो तुरंत देखकर एक अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कितना परसेंटेज नुकसान है। जब हम लोग गए तो हमने कोशिश यही करी कि जो जिनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस पॉइंट पे हम जाके देखें एक आंकलन लेने के लिए कि वाकई में नुकसान कितना हुआ है। तो जहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, मान लीजिए एकरों में जो है जल भराव हो रखा था, या फिर ऐसे थे जिनकी बाल पक गई थी और वो गिर गई है बारिश की वजह से और वो सड़ने लग गई है पानी में रहने की वजह से, इस तरह के खेतों पे हम लोग गए तो इस तरह के जो लोगों का नुकसान है उसको लाभ दिए जाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और परसेंटेज के बारे में, क्योंकि निरंतर सर्वे जारी है, प्रॉपर सर्वे होने के बाद पूरे गाँव के क्षेत्रफल के हिसाब से तभी एक आंकलन दिया जा सकता। नुकसान तो पिछली बार गेहूँ का भी हुआ था, किसान को कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया पिछली बार? देखिए, जब मैं मुझे मेरे संज्ञान में कि पिछली बार धान में भी जो इस तरह का नुकसान हुआ था तो छाता क्षेत्र के किसानों को और सब जगह किसानों पे मैं खुद ही गई थी वहाँ सर्वे करने के लिए साथ में, तो मुआवजा दिया गया था। तो जब जब परसेंट एक 33% से अधिक जिसके क्षेत्र खेत में नुकसान होता है उसी को लाभ आपदा के तहत दिया जा सकता है। तो जिनका गारंटी है कि वो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, वो देखिए गांव टू गांव और खेत टू खेत डिपेंड करेगा। वही मैंने कहा कि वो जब सर्वे प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 3 दिन तक, अभी पिछले 2 दिन से बारिश बंद हुई है, जब बारिश हो रही थी तब हर किसी के जहां पानी भरा हुआ है तो लेखपाल कोने कोने जाके नहीं देख पाए हैं। तो हर जब तक मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा, तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए, इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है
वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार की 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जाँचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार, फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076।